दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे अमेरिका की पहचान माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये फ्रांस द्वारा अमेरिका को दिया हुआ एक तोहफा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये है क्या? अगर नहीं तो बता दें कि ये एक लाइट हाउस है। दोस्तों आपको बता दें, प्राचीन जमाने में यात्रा करने के लिए कोई आधुनिक वाहन नहीं हुआ करता था, इसलिए दूर यात्रा के लिए समुद्र ही सबसे अच्छा माध्यम हुआ करता था। लेकिन समस्या ये थी कि समुद्री यात्रा करना भी उस समय इतना आसान नहीं था जितना आज के समय में है। उस समय आज की तरह नेविगेशन सिस्टम नहीं था, इसलिए अक्सर समुद्री जहाज अपना रास्ता भटक जाया करते थे, जिससे जहाज में बैठे यात्रियों की मौत भी हो जाती थी। आपको बता दें कि नाविक भले ही नक्शों की मदद से सही रास्ते पर चलते हुए मंजिल पहुंच जाते थे, मगर रात में अंधेरे की वजह से किनारे का सही पता नहीं लगा पाते थे और वहां पर खड़े किसी अन्य जहाज या किसी चट्टान से टकरा कर डूब जाते थे। इन्हीं घटनाओं से बचने के लिए पुराने जमाने के बंदरगाहों पर ये लाइट हाउस उस जमाने के राजाओं द्वारा बनवाए जाते थे। लाइट हाउस, जिसे दीप स्तंभ भी कहते हैं, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया का फरो है। यूनानी शब्द में फरो का अर्थ प्रकाश होता है। इस लाइट हाउस का निर्माण लगभग 300 BC पहले हुआ था, लेकिन 14वीं शताब्दी में आए भयानक भूकंप ने इसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन आपको बता दें, ये लाइट हाउस समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के किनारे जमीन पर बना हुआ था। इसके बाद समुद्र के बीच में दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस इंग्लैंड में बनाया गया। इसके बनाने की कहानी भी उतनी ही रोचक है जितनी इसके ध्वस्त होने की। ये लाइट हाउस अपने साथ अपने बनाने वालों को भी निगल गया भाई। तो आइए दोस्तों, चलते हैं समुद्र में बने दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस एडीस्टोन के रोमांचक सफर पर। बने रहिएगा आखिर तक इस मजेदार वीडियो में। दोस्तों, अंग्रेजी चैनल जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच अटलांटिक महासागर है, इन्हीं चैनलों पर बड़ी बड़ी पहाड़ी और चट्टानें भी मौजूद हैं, और यहीं पर एडिसन रॉक के नाम से जाना जाने वाला एक पर्वत भी मौजूद है। ये प्लायमाउथ हार्बर से लगभग 14 मील दूर है। दोस्तों आपको बता दें कि इस जगह पर इतने भारी भरकम तूफान आया करते थे कि पहाड़ की चोटी भी अक्सर पानी में डूब जाया करती थी। ऐसे में यहाँ से अगर कोई जहाज गुजरता और ज्वार की स्थिति पैदा होती तो उस जहाज के बचने की संभावना लगभग ना के बराबर होती थी। और ये रास्ता ऐसा था कि यहाँ से गुजरकर मंजिल पर जल्दी पहुँचा जा सकता था, इसलिए यहाँ से नाविक अक्सर गुजरा भी करते थे। हालांकि वे जानते थे कि यहाँ पर जहाजों के डूबने की कई घटनाएं भी हुई हैं। ऐसे में ये पहाड़ वहाँ से गुजरने वाले सभी जहाज व्यापारियों के लिए खौफ का कारण बन गए थे। लेकिन फिर जहाजियों को इस डर से मुक्ति दिलाने का काम किया था हेनरी विंस्टल नाम के एक नाविक ने। दरअसल हेनरी विंस्टल ने समुद्र के बीचों बीच पहाड़ी पर एक लाइट हाउस बनाने की योजना बनाई थी, ताकि ये लाइट हाउस यहाँ से गुजरने वाले नाविकों को सही रास्ता दिखा सके। दोस्तों, हेनरी एक नक्काश, जहाज का मालिक, व्यापारी और पानी से जुड़े कामों का मैकेनिक भी था। इसी वजह से उसने अपनी विंस्टले वाटर वर्क्स नाम से वर्कशॉप स्थापित की। उसका ये शॉप लंदन के हाइड पार्क में था, जो अब लंदन के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दोस्तों, एक व्यापारी होने के नाते उसने 5 जहाजों में अपने पैसे लगाए हुए थे। ऐसे में दूसरा मौका था जब 1695 में उसका एक जहाज कांस्टेंट चट्टानों से टकराकर ध्वस्त हो गया, जिसके बाद इस बात से परेशान होकर उसने इस समस्या से छुटकारा पाने के बारे में सोचा और समुद्र के बीचों बीच लाइट हाउस बनाने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने अपना काम शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की भर्ती की थी। फिर साल 1696 में उसने लाइट हाउस की बुनियादी चीजों पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी डिजाइनिंग और देखरेख का काम वो खुद ही किया करते था। वो इस काम को अपना ज्यादातर समय देने लगा था। आपको बता दें, जिस समय हेनरी ये काम कर रहा था उसी दौरान इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था। ऐसे में हेनरी के इस एडीस्टोन प्रोजेक्ट की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। युद्ध की वजह से उस लाइट हाउस पर काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा के लिए हेनरी ने एक युद्ध पोत खड़ा करवा दिया, और साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने भी उसकी मदद की और इसके लिए कई निश्चित इंतजाम भी किए। युद्धपोत को देखकर फ्रांसीसी सैनिकों ने भी वहां जाने की कोई ज्यादा कोशिश नहीं की। लेकिन फिर 1697 में एक दिन ऐसी घटना घटी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। दरअसल एक सुबह एडीस्टोन पर काम चल रहा था और किसी कारणवश काम चलने वाली जगह पर युद्धपोत नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से इसका फायदा उठाते हुए फ्रांस का एक सामान्य हथियारबंद जहाज काम करने की जगह पर आ गया और वो हेनरी और उसके कई साथियों को कैद करके फ्रांस ले गया। साथ ही साथ उसने वहां पर हुए अब तक के कई कामों को नष्ट भी कर दिया। हालांकि जब फ्रांस के किंग लुई को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने तुरंत कैद किए हुए हेनरी को छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने ये कहते हुए इसे छोड़ दिया कि फ्रांस युद्ध में इंग्लैंड से लड़ाई कर रहा है, ना कि इंसानियत के साथ। अब एडीस्टोन की अहमियत इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ चुकी थी। अब यहाँ काम करने के लिए हेनरी को किसी लूटमार या युद्ध का डर नहीं था। वे अब यहाँ और आसानी से तथा तेजी के साथ काम करने लगे। आखिरकार समुद्र के बीचों बीच लाइट हाउस 3 साल तक की कड़ी मेहनत के बाद बनकर तैयार हो गया।
14 नवंबर 1698 को एडी स्टोन लाइट हाउस का निर्माण कार्य पूरा हो गया, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 120 फीट थी। इसमें सबसे पहले साल 1698 में प्रकाश किया गया, जिसमें 24 मोमबत्तियां जलाकर प्रकाश किया गया था। इस तरह ब्रिटेन में सबसे पहला खुले समुद्र में बना हुआ लाइट हाउस दुनिया को मिल गया। दोस्तों, हेनरी विंसले अपनी सनक के लिए भी जाना जाता था। उसने इस लाइट हाउस में बहुत बारीकी से काम किया था। इसमें बाहरी सीढ़ियां लगी हुई थी। लाइट हाउस में एक वेदर कॉक भी लगा था, जो हवा की दिशा के बारे में बताया करता था। दोस्तों, ये लाइट हाउस अपनी पहली सर्दी की मार तो झेल गया, लेकिन 1699 की बसंत ऋतु में इसे मरम्मत की जरूरत पड़ी। पहले इसमें 8 लकड़ी के डायगोनल थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया था। साथ ही इसमें लकड़ी के फ्रेम और बाहरी पत्थर भी लगा दिए गए थे। इसके बाद हेनरी ने इसमें कई और फीचर जोड़ दिए, जैसे लैटिन और इंग्लिश शिलालेख और सजावटी लकड़ी वाली कैंडल्स। दोस्तों, विंस्टनल का ये टावर 3 साल तक समुद्र में सीना ताने खड़ा रहा, लेकिन 1703 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा झटका दिया। आपको बता दें, 1703 में आए एक भयानक समुद्री तूफान के आगे ये लाइट हाउस ढह गया था। ये तूफान इतना खतरनाक था कि इस लाइट हाउस के अस्तित्व का नामो निशान तक नहीं मिला था। इसमें सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये थी कि जिस दौरान ये तूफान आया था, उस समय हेनरी और उनके कर्मचारी उसमें मौजूद थे। दरअसल विंस्टले अपने साथियों के साथ लाइट हाउस की मरम्मत के लिए गए हुए थे। काम करते करते ज्यादा समय बीत गया, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ फैसला किया कि आज रात वहीं रुक जाते हैं। पर उन्हें इस बात की खबर कहाँ थी कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। समुद्री तूफान का कहर इतना ज्यादा भयानक था कि लाइट हाउस समेत उसमें मौजूद हेनरी और अन्य लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, कई दिनों तक खोजी अभियान चलता रहा, मगर ना तो हेनरी और ना ही उसके किसी साथी का शव मिला। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता चला कि वास्तव में लाइट हाउस बनाया कहाँ गया था। अब इसी बात से उस रात आए तूफान के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह अपने लाइट हाउस के साथ हेनरी विंस्टले भी इस दुनिया से चली गई। उनकी मौत वाकई में बहुत दर्दनाक थी, क्योंकि समुद्र की लहरों में वे और उनके साथी और साथ ही साथ लाइट हाउस सब कुछ विलीन हो गया। दोस्तों, इसके बाद उसी जगह पर दूसरा लाइट हाउस भी बनाया गया, जो 46 साल बाद आग लग जाने की वजह से ध्वस्त हो गया। तो ये थी कहानी पहले लाइट हाउस की। अगर आप भी इससे जुड़ी कोई जानकारी रखते हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आकर शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।